मैं कहीं से कहना बोल रहा हूँ कि हम लोग दोनों पीओके और पुष्टि का काम दोनों करते हैं, तो क्या करते हैं जिस कंपनी में हम लोग रखते हैं तो जैसे पुष्टि है पहले एयरपोर्ट कर देते हैं, एयरपोर्ट करने के बाद फिर हम लोग पीओके का काम करते हैं। तो ये बता दें कि हमारे भाई साहब हैं कालू राम भाई और इन्हें पुष्टि और पीओके का काम दोनों आता है। तो हम लोग काम करने से पहले क्या करते हैं, पुट्टी को बनाकर पहले रख देते हैं दस मिनट वास्ते रख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दीवार की सफाई कर लेंगे, रेखाल मार देंगे, पत्ती मार देंगे, सफाई कर देंगे, जिस तरह भाई साहब करें। तो इतने में जो हम लोग पुट्टी बनाकर रखे हैं 10 मिनट वास्ते, इसमें पॉलीमर मिक्स होता है और वाइट सीमेंट मिक्स होता है दोनों। इतने में जब हम लोग पुट्टी बना देते हैं उसके कण जो हैं 10 मिनट में घुल जाते हैं आपस में। जब हम लोग पुट्टी बनाकर रख देते हैं तो उसमें पॉलीमर मिक्स होता है, उसमें व्हाइट सीमेंट वो अच्छे से वो घुल जाते हैं। फिर उसके बाद इसको कोट लगाते हैं, सफाई करके झाड़ू से रेगमाल मार देंगे और हल्का इसमें पानी का फुहारा मार देंगे। जब एक बार हल्का फुहारा मार दें फिर एक कोट चढ़ा देंगे तो अब इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आ गई। तो इसको क्या करेंगे 7-8 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे, 7-8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरा कोट जो है सेकंड कोट 7-8 घंटे के बाद चढ़ाएंगे इस पर दूसरी। तो हम लोग दूसरा पीओपी भी कर रहे हैं, तो पीओपी पहले पट्टा बना लेंगे, सारी डिजाइन बना करके डबल कोट फिर इस पर करूँगा, दूसरा कोट फिर इस पर हम लोग करेंगे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पीओपी भी हो जाती है डबल कोट, पहले एक कोट छुट्टी कर दिया फिर हम लोग पीओपी कर दिए, उसके बाद पीओपी होने के बाद इसे डबल कोट पुट्टी करा दिया। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे, पुट्टी करने से पहले आपको रेगमाल लगा लेना चाहिए, पत्ती मार लेना चाहिए और झाड़ू से इसे साफ कर दें, फिर हल्का पानी का छिड़काव कर दें। इससे आपकी पुट्टी की मजबूती अच्छी आएगी और शाइनिंग अच्छी आएगी। और काम करने से पहले पुट्टी को 10 मिनट पहले बना देना, बना के रख दो, उसके बाद जब आप पानी का छिड़काव कर दो फिर पुट्टी चढ़ाना। जब आप पुट्टी, आपको मैं अभी 10-2 मिनट पहले बताया कि पुट्टी जब बन जाती है उसमें पॉलीमर मिक्स होता है, वाइट सीमेंट मिक्स होता है और अच्छे से उसके कण आपस में बढ़िया से सेट हो जाती है। फिर करोगे तो आपको चिकनाहट होगी और सफाई से होती हुई चली जाएगी। और एक तरीका बहुत सटीक तरीका है, हल्का पानी मारने से कभी भी लकीरें नहीं आती। धन्यवाद भाई साहब।